क्या गले में बेस लाने के लिए लो नोट्स में रियाज करना चाहिए या लो स्केल का रियाज करें? अगर हम एक मेल हैं और हमारी वॉइस में थोड़ा सा हमें बेस चाहिए, तो क्या हम चौथी पांचवी से या साढ़े पाँच से या साढ़े चार से, ये जो फीमेल स्केल्स होती हैं, लो स्केल्स जो हैं, जी शार्प, पांचवी काली, ए शार्प, इन सबसे अगर रियाज करेंगे तो क्या गले में बेस आ जाएगा, है ना? या फिर और कोई टेक्निक है जिससे हम गले में बेस ला सकते हैं, तो क्या उसका तरीका है, क्या उसकी टेक्निक है, आज उस पर बात करते हैं। और ये जो सवाल है, ये जो शंका है लोगों के मन में आती है कि क्या लो स्केल से रियाज करने से गले में बेस आ जाता है, इसको भी दूर करते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा। मेरा यार तू, मेरा प्यार तू, अभी अभी आपने टीज़र देखा, हरिजा पांडे मेरी सिस्टर का गाया हुआ ये जो गीत है, मेरे पिताजी का लिखा हुआ, उनका कंपोज्ड है, हमारा ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियो है, 15 नवंबर को मास्टर निषाद प्रोडक्शंस पे आने वाला है, ज़रूर सुनिएगा। आइए बात करते हैं लो नोट्स का और बेस का जो आपस में जो रिलेशन है वो क्या है। देखिए, पहले भी मैं इस चीज़ पर बात कर चुका हूँ, जो लोग ये समझते हैं कि खरज का रियाज करने से गले में बेस आता है, जो लोग ये समझते हैं कि खरज का रियाज करने से आवाज़ में भारीपन आता है, उनको मैं पहले भी ये चीज़ एक सलाह दे चुका हूँ, एक डाउट उनका ये मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, और ये चीज़ मेरे पिताजी से ही मैंने समझी है, जानी है, सीखी है, जो मैं पहले भी कई वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ और फिर से बार बार दोहराता रहूँगा। सिर्फ खरज के रियाज से गले में बेस नहीं आता है, सिर्फ लो नोट्स से आपकी आवाज़ भारी नहीं हो जाएगी, और उल्टा लो नोट्स का रियाज करने से आपका जो स्केल है, जो रेंज है, वो ख़त्म हो जाता है, वो कम हो जाता है, फिर आप ऊपर की गायकी या नीचे की या मिड ऑक्टेव की गायकी नहीं कर सकते, फिर गले में कई सारी समस्याएं आती हैं, जैसे कि खराश हो जाना, जैसे कि आपके गले में आपको दम कम महसूस हो रहा है, आपको कभी ऐसा लगेगा कि अरे यार आवाज़ खींच रही है, मैं तो मध्य सप्तक के पंचम से भी ऊपर नहीं जा सकता, तो ये सारी समस्याएँ आपकी आएंगी अगर आपने सिर्फ खरज का रियाज किया है या फिर किसी लो स्केल से रियाज करना आपने शुरू किया है। इसको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि खरज का रियाज वो लोग करना अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्ड यानी कर सकते हैं वो लोग, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी जो प्रॉपर क्लासिकल गायकी सीख रहे हैं, उनके लिए क्यों ये थोड़ा बहुत भी बेनिफिशियल है, क्योंकि एक राग गायकी जब आप करते हैं तो उसका तीनों सप्तकों में उसका जो विस्तार है वो होता है। आप तार में भी गाते हैं, आप मध्य में भी गाते हैं, आप खरज में भी गाते हैं, बनिस्बत के लिए किसी फिल्मी गाने के या किसी गीत के या एक लाइट म्यूजिक की जो गायकी है उसके, क्यों? क्योंकि उसकी कॉम्पोजिशन निश्चित होती है, वो या तो आधे ऑक्टेव में है यानी आधे सप्तक में है, या फिर डेढ़ सप्तक में है, दो सप्तक, वो निश्चित होती है कि उसकी कॉम्पोजिशन ऐसी ही है, लेकिन क्लासिकल गायकी में कुछ निश्चित नहीं है। उसका राग का चलन, हाँ ठीक है, निश्चित होता है कि वो तार में ज़्यादा खेलती है कि मध्य में या खरज में ज़्यादा खेलती है, लेकिन तब भी उसकी गायकी है जो है वो उमूमन हर सप्तक में होती ही होती है, है ना? तो वो आपको करनी ही पड़ती है ना? तो जब आप उसको करते हैं, उसका रियाज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो गला है वो तीनों सप्तकों में चलने का आदि हो जाता है। तो उसमें फिर क्या है, आप जो अलंकार हैं उसके जो पलटे हैं रागों के, उनका भी रियाज करते हैं, जो आप दोपहर में और शाम में करते हैं। अब खरज का रियाज कर लेने से ऐसा नहीं है कि सारे सुर सज जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, है ना? आप कैसे हो सकता है कि आप अगर ऊपर के और मध्य के सुर ही नहीं लगा रहे हैं तो वो सुर ऑटोमेटिकली सज जाएंगे? बिना लगाए तो सुर सधेगा नहीं, है ना? इसीलिए लगाना तो आपको तीनों ऑक्टेव का ही पड़ता है। अब दूसरी बात रही कि आपका लो स्केल का रियाज कर लेने से या चौथी काली पांचवी काली से गाना गाने से क्या आपकी आवाज़ में बेस आ जाएगा? बिल्कुल, आपकी आवाज़ भारी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी, लेकिन सिर्फ भारी हो जाएगी, फिर आप ऊपर नहीं गा पाओगे, मध्य में भी नहीं गा पाओगे, है ना? लेकिन यही आप बनिस्बत एक अपने पहली काली से या पहली सफ़ेद से, मेल वॉइसिस के लिए कह रहा हूँ, अगर आप रियाज करते हैं जिसमें कि आप हाफ ऑक्टेव नीचे भी उतरते हैं, हाफ ऑक्टेव ऊपर भी जाते हैं, यानी तार और खरज दोनों को कवर करते हैं, तो रेंज ऐसे खुलती है आपकी, फिर आपकी गायकी में आपके स्केल की कोई बाधा नहीं रहती है, फिर कोई गाना तीसरी चौथी ऊपर की टीप से होगा तब भी आप गा लेंगे, और वही गाना अगर आपकी कभी आपको डुएट गाना पड़ रहा है फीमेल के साथ या ग्रुप ऐसा गाना पड़ रहा है जिसमें फीमेल ज़्यादा हैं तो आपको साढ़े पाँच से गाना पड़ रहा है तो भी आप गा लेंगे, है ना? तो उसके लिए जो मेरे पिताजी ने स्वर विस्तार की टेक्निक बताई है मॉर्निंग वोकल रियाज में, उसका मैं दोबारा से जिक्र कर देता हूँ। भैरव में आप सवेरे सवेरे ये रियाज करते हैं, जैसे फिलहाल मैं आपको पहली काली से ही बताऊंगा कि एक सुर आप जैसे खरज का करते हैं ना, एक एक सुर नीचे उतरना, ये वही रियाज है लेकिन तीनों सप्तकों में जाता है। कैसे? सा नी सा रे सा नी
आप देख रहे हैं एक एक सुर में नीचे उतर रहा हूँ, एक एक ऊपर चढ़ रहा हूँ, है ना। फिर इसकी ही धीरे धीरे गति बना लीजिए, तो इसमें आप अलंकार भी इसी का कर सकते हैं। सा नी ध प प ध नी सा नी ध प प ध नी सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा, है ना। ऐसे करके आप मिड में हाई में दोनों में जा सकते हैं। सिर्फ लो स्केल का रियाज करने से क्या होगा कि पंचम के ऊपर भी नहीं जाएगा, धैवत के ऊपर भी नहीं लगेगा, तो ये सारी चीज़ें मत कीजिए। रेगुलर अगर रियाज करना है तो तीनों सप्तकों में जाइए, एक एक करके लंबा लंबा सुर लगाइए। और जो लोग कहते हैं कि भाई सवेरे का जो रियाज किया जाता है उसमें डायरेक्ट ऊपर के सुर नहीं लगाने होते हैं, गला फट जाता है या ऐसा कुछ, तो मैं डायरेक्ट लगाने को तो वैसे भी नहीं कह रहा हूँ। अगर ये तीन सप्तक आपको मैं लगाने को कह रहा हूँ तो ये एक तीसरा चौथा स्टेप है। इसके पहले के जो दो स्टेप हैं उसमें आप कम अज़ कम आधे घंटे पौन घंटा जो है आपने सा लगा लिया है, ओम लगा लिया है, आपने जो है अलंकार जो है वो धीरे धीरे कर लिए हैं, है ना। तो ये करने के बाद वार्म अप ऑलरेडी हो चुका है, तो उसके बाद मुमकिन है कि आप जो है तीनों सप्तकों में गा पाएंगे, ठीक है। तो बस यही आपका सवाल था जो मैंने हल किया है। इसी टेक्निक्स पर मैं और भी वीडियोस बना चुका हूँ, जिनको भी आप देखिए, जिनके साथ रियाज कीजिए। और मेरा यार तू मेरा प्यार तू जरूर सुनिएगा, 15 नवंबर को मास्टर निषाद प्रोडक्शंस पे आ रहा है, मेरी सिस्टर हरिजा पांडे ने गाया है और ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो है हमारा। जो ऐसा ही हमारा ओरिजिनल सॉन्ग है, ऐसे ही और भी सॉन्ग्स जल्द आते रहेंगे हमारे न्यू चैनल्स पर, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।